दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूं, मेरे नाल जुड़े हुए हैं अमन, शायद उन्होंने कुछ गल करनी है कोई इमिग्रेशन के बारे मसले के बारे। अमन नाम अपना अमन ही है? या अमन मखीजा। अमन मखीजा, हां जी। अच्छा केड़ी जगह तो बोल रहे हो अमन? सर मैं बोल रहा हूं हरियाणा यमुनानगर तो। हरियाणा तो बोल रहे हैं, बोलो जी बोलो की है समस्या। सर एक्चुअली मैं दसना चाहता थानू कि मेरी मैं आइल्स कीती सी, तो पहली बार तो मेरे कोई मतलब 5.5 रह गए सीगे, तो मैं दोबारा कीती ओके आइल्स का स्कोर मेरा वधिया आ गया सी। ओके तो मेरी सारी फाइल भी नॉर्मल सी की मींस की 12th सर्टिफिकेट 10th सर्टिफिकेट सारा सही सीगा। ओके तो मैं अपने अपना एक इमिग्रेशन लॉयर है कैनेडा च निमिश गुप्ता। ओके सो मैंने मैं उदे कोल फाइल लवाई सी, बिल्कुल नॉर्मल फाइल सी की। पहले पहला तो मेरा रिफ्यूजल आ गया सी कि जर्नल रिफ्यूजल आया सीगा वो कि तुहाडे मीन्स आई थिंक उदे च लिखा सीगा कि तुसी एट द एंड ऑफ टाइम वापस नहीं आओगे। यू अप्लाइड फॉर स्टडी वीजा? स्टडी वीजा अप्लाई कीता? स्टडी वीजा, स्टडी वीजा। ठीक है जी, ओके। फिर उदे बाद? फिर ता उदे बाद मैं उन्हें दोबारा कंसल्ट कीता। हाँ। फिर वो कह लगया कि मैं ता एदी कवर लेटर होंदा है ना कोई कवर लेटर शुरू च होंदा वो चेंज करके दोबारा भेजदा। ओके ता उन्हें कीता। ओके फिर बाद उदे च वो की होया कि उन्हें ए नहीं लिखया कि एदा रिफ्यूजल आया हुआ है। Okay. पहला जेड़ा रिफ्यूजल है। ओके तो मैं फिर परेशान होके उन्होंने दोबारा कंसल्ट वगैरह किया, तो फिर वो कहंदा कोई ना मैं करवांदा। फिर उन्हें मैनू कहा कि यह फाइल तुसी VFS तो लगाओ, साढ़े इत्थे चंडीगढ़ च VFS है VSF। प्लीज कंटिन्यू, मैं तुहाडी गल सुन रहा। प्लीज कंटिन्यू, बोलो बोलो मैं सुन रहा। हां जी हां जी। फिर मैं उतो फाइल लवाई, फिर मेरा दोबारा मतलब रिफ्यूजल आया। ते उदे च दो उन्होंने क्या किया कि मतलब 5 साल का बैन लाता मेरे उत्ते, जबकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ने और ना कोई गैप सीगा, आईएस का स्कोर भी बिल्कुल चंगा सीगा, मीन्स मेरी कोई गलती नहीं सीगी। तो हुण ओ मैं उन्हें कॉल करदा या फिर उन्होंने मैसेज करदा कि मैनू दसो हुण भी की करना है, तो कोई जवाब नहीं देता मैनू। ओके ठीक है, दसोगे गल खत्म हो गई? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और मेरा मेरा ओपिनियन सुन लो इस बारे। हाँ जी। दूसरी बात, जब एप्लीकेशन तुसी इत्ते वेयर इज हिज ऑफिस, वेयर इज ही लोकेटेड, किथे लोकेटेड उनदा ऑफिस? सर आई डोंट नो वेयर इज द ऑफिस, but I have the address in my documents, I have written it. Aman, sir ji, bada tazub hota hai mere ko is baat ka ke you contacted him, you must have asked him to do the application for you. Where did you meet him? Yes. You are in Haryana. Is he in Haryana? No, sir. Where is he at? Is he in Canada? He's Canada. Acha. So you contacted him in Canada? Yes, sir. Actually, one of my friend lived there, so he told me about him. Okay. Aman, meri gal nu dhyan nal suno, please. कंसल्टेंट साहब, मैं कि देखो मैं मेरा मकसद है नहीं कि मैं किसी का नाम नहीं लिया, पर एक जनरल गल कर रहे हैं कि तुसी बैठे हो इंडिया, कंसल्टेंट साहब बैठे हैं कनाडा, क्या तुहाडा उहनां नाल सीधे राबता सीगा? तुसी उहनां नाल फोन ते गल कर रहे सी या विच कोई क्लर्क या कोई असिस्टेंट जिहड़ा तुहाडी एप्लीकेशन पढ़ रहा सी? नहीं, कोई क्लर्क कोई कुछ नहीं सीगा, सिर्फ साडी व्हाट्सएप ते गल होंदी सी, ईमेल से गल होंदी सी। रिफ्यूजल सेकंड एप्लीकेशन नहीं लिखा, करेक्ट? इज दैट राइट?
हाँ जी हाँ जी ठीक है, पर वो सेकंड एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो चुकी सी बाय द टाइम तुहानू पता लग गया, या सबमिट होने तो पहला ही पता लग गया कि भी गलती हो गई है? नहीं, सबमिट होने के बाद जब मेरे पे दूसरा रिफ्यूजल आया था ना, उसके बाद हाँ रिफ्यूजल आया था कि आपने ये बताई नहीं है, क्यों नहीं बताई ये भी बताओ। अच्छा, तो वो उन्होंने उन्होंने आपको, दिल्ली हाई कमीशन ने आपको एक प्रोसीजर फेयरनेस लेटर भेजा होगा कि आपने शायद ये बताया नहीं है, तो आप इसको क्लेरिफाई करो क्यों नहीं बताया, विद इन 15 डेज या विद इन 30 डेज, ऐसा कोई लेटर आया होगा राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी, है, यही बस ऐसा ही आया था। ठीक है, ऐसे ही आया होगा। तो फिर जब ये लेटर आया तो आप भी थोड़े से हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, तो कंसल्टेंट्स आपको भी पता लगा होगा कि ये गलती हो गई, ऐसा हुआ होगा मेरे ख्याल, है ना? हाँ जी हाँ ठीक है, जी अब हाँ मैं जी हाँ यहीं जी पर रुक जाऊँ। जब जब आपको पता लग गया कि ये गलती हो चुकी है, जब कंसल्टेंट्स आपको भी पता लग गया कि गलती हो चुकी है, उसके बाद हाँ जी एप्लीकेशन तो ऑलरेडी जा चुकी है, वो आपका एक एक रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं दिल्ली वाले, तो हाँ उस जी स्टेज पे वीएफएस में सबमिट करने का क्या पर्पस है? सर, मेरी ये बात? बात तो सही है, बट उस हाँ टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी इस बात की, ठीक है, तो जैसे जैसे उसने मेरे को कहा मैं करवाता गया। अच्छा अभी अभी थोड़ा सा बात मेरी अब ध्यान से सुनना प्लीज। हाँ जी हाँ जी एक बार एप्लीकेशन चली गई है, मतलब कि ऑनलाइन जमा हो गई है, जैसे भी उन्होंने जमा करी, हाँ जी हाँ जी उसके बाद वो एप्लीकेशन का जब तक रिजल्ट नहीं आता, यस नो नहीं आता, तब तक तीसरी एप्लीकेशन का वीएफएस में डालने का कोई सवाल बनता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और जब ओके जब सर कंसल्टेंट साहब ने आपको ये कह ही दिया कि मैंने गलती कर ली है, उसके बाद तो कोई और इस तरह का स्टेप लेने का तो पर्पज ही नहीं निकलता, कोई बात होती नहीं है उस नहीं वक्त सर, ये करना। तो हाँ उसने लास्ट बोले। सर ये उसने लास्ट में कहा, जब हमारी बिल्कुल लास्ट में बात हुई ना, जब हमारा बैन लग गया 5 इयर्स का। अच्छा, बैन के बाद कहा है, उससे पहले नहीं कहा? ठीक है, तो बैन लग गया, ये तो बहुत बड़ी सीरियस मिस्टेक है, इसके बारे में मैंने कई इंटरव्यू भी डिस्कशन वीडियो पे बनाए हुए हैं कि ऐसी जो गलती है ये काबिले माफी नहीं है, कि ये इस चीज को माफी नहीं दी जा सकती, और वीजा ऑफिसर इसको कतई पसंद नहीं करते कि आपने जहां हाँ लिखना जी था कि आपने वीजा रिफ्यूज हो गया, आपने बताया नहीं, तो हम आपको माफ कर देंगे, वो 5 साल का बैन लगाएंगे और लगाए हमेशा लगाते रहेंगे। अगर हाँ अगर वो जी हाँ जी कंसल्टेंट ये साहब भी थोड़ा मान गए कि गलती मेरी से हुई है, तो कंसल्टेंट को सिर्फ इतना करना था, अगर कर लेते तो वो कर लेते कि वो दिल्ली हाई कमीशन को खुद अपनी तरफ से लेटर लिख देते कि भाई मेरे से गलती हो गई है, एप्लीकेंट की, हाँ जी अमन की कोई गलती नहीं है, मेरे से गलती हो गई है, और गलती हो हाँ सकती है, इंसान है, और इसलिए आप उसको इनोसेंट मिस्टेक मान के आप माफ कर दें, अगर वो लिखते तो शायद बचाव हो जाता, लेकिन अब ये हो चुका है, इसके बारे में ना वो कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं, और इस चीज को अब वो 5 साल के लिए आपके लिए ये बैन लग गया है। और ये कब से शुरू हुआ है, कब लेटर आया आपके पास? सर, ये आया था मेरे पे लेटर में भी शायद फेब या मार्च में आया था। मार्च में, अभी तो चल रहा है सितंबर, आप मेरे को अभी 6 महीने बाद कॉल कर रहे हो? सर एक्चुअली मैं बिल्कुल ही हार मान चुका था बीच में, सर एक्चुअली मैं बहुत मन से अपना चाहता था कि मैं वहां जाके पढ़ूं और ऐसे मतलब करूं, फिर वो जब तो आपका ये सब हो गया ना दोबारी, आपका तो मन मैं तो हार ही मान चुका था। आपका मन तो ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद कॉल करने का क्या फायदा, अगर आप उसी वक्त विद इन 60 डेज, मैं आपको और आपको जो भी और लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी अगर बात आती है, जब आपको लेटर भेजते हैं तो आपको टाइम देते हैं कि आप खुलासा करो, अगर खुलासा आपने कर दिया ठीक है, वो सेटिस्फाई हो या ना हो उनकी मर्जी है, लेकिन विद इन 60 डेज के आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कैनेडा के कोर्ट में, अम्बाले के कोर्ट में नहीं, हरियाणा के कोर्ट में नहीं, पंजाब के कोर्ट में नहीं, कनाडा के जो कोर्ट सिस्टम है यहाँ पर, वहां पर आप किसी भी लॉयर को हायर करके, और लॉयर ने भी कम से कम $8-10,000 का बिल बनाना है मिनिमम, इसमें मे बी मोर, तो इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन 60 डेज का टाइम होता है, अगर वो चीज खत्म हो गई तो उसके बाद वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। अभी आज की डेट में कोई कुछ नहीं कर सकता बॉस, ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कंसल्ट साहब, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको पूरे 5 साल की आपको तपस्या, वनवास आपको करना ही पड़ेगा हरियाणा में, और 5 साल के बाद आपको फिर कनाडा का कोई रास्ता खुलेगा। यू के नॉट अप्लाई फॉर एनी वीजा इन कनाडा, ना टूरिस्ट वीजा, ना विजिट वीजा, ना वर्क वीजा, ना शादी वीजा, ना एंटरप्रेन्योर वीजा, कोई एक्सप्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। 5 साल के लिए आपको दिल्ली हाई कमीशन ने फाटक आपके लिए बंद कर दिए। सर, अगर मेरे पास सारे मतलब जैसे उसकी चैट्स वगैरह हो, उससे भी नहीं कुछ होगा? सर वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, ये सब करने के लिए आपके पास 60 डेज का टाइम था, 60 डेज मतलब कि मार्च में हुआ, अप्रैल मई तक आप कर सकते थे।
हाँ जी, हाँ जी, 60 days का टाइम खत्म हो गया, ऑप्शन इज क्लोज. अभी कोई भी फेडरल कोई भी कोर्ट सिस्टम, कोई भी जज आपकी कोई भी वो आपकी पिटीशन, आपकी लीव जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. वो कोर्ट सिस्टम कहेंगे वो तो बहुत पुराना हो गया, उस वक्त क्यों नहीं किया आपने, तो वो नहीं लेंगे. इस वक्त आपका चैप्टर क्लोज है, आपको किसी और कंट्री में जाना है जा सकते हैं, कोई और कंट्री आपको पढ़ाई का अगर शौक है तो वहाँ कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है वो उनको पता है. लेकिन आप किसी भी कंट्री में करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेंगे, न्यूजीलैंड अप्लाई करेंगे, इंग्लैंड अप्लाई करेंगे, अमेरिका अप्लाई करेंगे, इन चारों कंट्रीज को कैनेडा में, कैनेडा ने आपको बैन किया है, इनको वो मालूम पड़ जाएगा और फिर वो क्या फैसला ले वो उनकी मर्जी है. लेकिन लेकिन मेरे को बड़ा अफसोस है, मेरे को अफसोस ये है, मैं किसी का दोबारा, मैं आपको दोबारा से क्लियरिफाई कर दूं, मैं किसी कंसल्टेंट का, किसी भी लॉयर का नाम ले नहीं सकता. कई कई बार लॉयर भी, अब उनका भी नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन मेरे को पता है कि कई बार लॉयर के थ्रू भी कोई ऐसी कोई गलती हो जाती है, गलती सबसे होती है. लेकिन सर गलती सबसे होती है, लेकिन उसको सही करना चाहिए ना सर, उसने उसके बाद एफर्ट ही नहीं करा. या मैं आपको बता दूं, गलतियां अगर होती हैं तो इमीडिएटली जब उसको किसी को पता लगता है कि गलती हो गई, इमीडिएटली न्यू दिल्ली हाई कमीशन को एक लेटर लिख के एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई साहब गलती हमसे हो गई है, लेकिन कैंडिडेट की कोई कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा ऐसा हुआ है, बाकी इंटेंशनली, फिर उनकी मर्जी है जैसा वो डिसीजन लेते. लेकिन अगर वो नहीं लिया तो वो दिस इज अ ट्रेजेडी. अब क्या होगा कि अब आपकी आप हैं और आपकी कंसल्टेंट है, इसके अलावा और तो कोई बात हो नहीं सकती. लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि जो भी कंसल्टेंट थे वो, उन्होंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख के रिटन में कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया? सर पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास साइन किया हुआ है, मैंने सब कुछ है ऐसे तो, सारा कुछ लीगल सब कुछ है मेरे पास. अच्छा, को अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है तो उसमें सारे रेमेडी लिखी होगी कि अगर अगर केस रिफ्यूज होता है तो क्या करें हम, और अगर अगर आपको कुछ आप ना खुश हो तो क्या कर सकते हैं, उसमें सारे उसमें लिखे होंगे क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट कम से कम ये 5-6 pages का होना चाहिए होगा और उसमें सब कुछ लिखा होगा. ओके सर. तो उसके उसके हिसाब से जो भी आपके और आपके कंसल्टेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, जो शर्तें टर्म्स कंडीशन हुई हैं, उसके हिसाब से आप आगे का फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं, जो भी आपको करना है. ओके ओके सर. सर मैं, मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं चाहता था किसी और का ऐसे गलत ना हो. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो सर मैं इतना टाइम वेट करके मैं रिफ्यूजल पाता हूं तो मेरे को, और जबकि मेरा सब कुछ सही है तो फिर दुख तो होता ही है सर, पैसे भी वेस्ट होते हैं. जी बहुत अमन अमन, मेरे को बहुत सिंपैथी है आपसे और आपकी सिचुएशन से. मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो मैं जरूर करता, लेकिन मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है और कोई भी लॉयर इस वक्त कोई केस आपका ले नहीं सकता क्योंकि वो टाइम निकल गया है. लेकिन जो आपने कहा कि दूसरों को, दूसरे बच जाएं, ये करीब करीब मेरे पास आंकड़े हैं एक्चुअली, करीब करीब 5,000-6,000 एप्लीकेंट्स हर एक साल जो इंडिया से होते हैं वो इस तरह की गलतियों से मारे जाते हैं, जैसे आपका हो गया ना कि किसी ने फॉर्म भर दिए, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कोई भूल गया, कोई डेट ऑफ बर्थ कर लिख दी, कोई कह रहा है जी एजुकेशन ये दिखाओ ना, कोई कह रहा है जी ये जी गैप फिल करने के लिए हम एक नकली एक जॉब लेटर लगा देते हैं. कई लोग मेरे, मैं बड़ा हंसता हूँ जब लोग, मैं पूछता हूँ कि आपने क्या काम किया तो मेरे से वो उल्टा पूछते हैं, सर जी आप बताओ आप क्या दिखाना है हम वो दिखा देते हैं. तो मतलब कि वो लोग जुगाड़ के चक्कर में कहीं ना कहीं झूठ बोल जाते हैं इसमें. और इस तरह की जो गलतियों, इस तरह की गलतियों से कभी भी अगर कोई वेरिफिकेशन हो जाए और उन्हें कोई शक हो जाए तो आपको 5 साल के लिए बैन कर देते हैं. तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ सबसे कि भाई साहब गलती मत करो, जो बोलना है सच बोलो, वीजा मिले ना मिले लेकिन सच बोलना चाहिए. एक बार अगर आपने सच बोल दिया, अगर वीजा ना मिले कोई अफसोस नहीं, दोबारा अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर झूठ बोला और झूठ पकड़ा गया, और झूठ पकड़ा जाएगा, चाहे अभी नहीं पकड़ा गया तो एयरपोर्ट में पकड़ा जाएगा, एयरपोर्ट पे नहीं है जब आप पीआर अप्लाई करो तब पकड़ा जाएगा, कभी ना कभी पकड़े जाओगे आप. जैसे अगर बाय चांस आप, अगर आपको वीजा मिल भी जाता अभी तो आपने जो उसको पुराना रिफ्यूजल नहीं दिखाया, तो इन फ्यूचर जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते तो वहां अपने स्क्रीन पे उनको नजर आता कि आपने झूठ बोला. अगर आप वहां से भी बच जाते फिर आप एक्सटेंड करते तो ये चोरी पकड़ी जाती, ये चोरी कभी छुपती नहीं है. उसी वक्त अगर ये ढक जाती, उसी वक्त आपको क्लियर कर देते तो हो जाता. तो मैं आपको और आपको और ऑफ कोर्स यू आर डन नाउ फॉर 5 years, पर लोगों को जरूर मैं बोलूंगा कि प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक, अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जहां भी जाते हो, अगर आप रिलीजियस हो थोड़ा बहुत है तो कृपा करके आप सच बोलें. कैनेडियन वीजा ऑफिसर के सामने सच बोलेंगे तो भगवान भी खुश रहेगा, नहीं तो फिर वीजा ऑफिसर भी नाराज है, भगवान भी नाराज है आपसे. सर
इवन कि मैंने तो कई लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि हम आपका रिफ्यूजल हटवा देंगे, बैन हटवा देंगे, कि लॉयर नहीं होते फिर भी कहते हैं कि हम आपका बैन हटवा देंगे। तो सर ये तो साफ साफ पैसा पैसा लेने की वो है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सर जी, ऐसे ऐसे कौन से महानुभाव हैं, कौन से महारथी हैं जो बोल रहे हैं कि बैन हटवा देंगे? मैं भी उनके दर्शन करूं, मैं भी उनसे पूछूं कि भाई आपने आपने कौन कौन से सीक्रेट अपने गुर छुपा के रखे हैं अपने जेब में, मैं भी पता करूं कि कौन लोग आप हैं। कह रहे थे गवर्नमेंट एम्बेसी है, ऑफिसर्स वगैरह जितने बैठे हैं पागल थोड़ी ना, इन्होंने देश संभालना है। बात अच्छे आपने अच्छी बात करी है। जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं ना, किसी भी कंट्री के वीजा ऑफिसर्स होते हैं, ये लोग जो वीजा ऑफिसर जो काम कर रहे हैं एम्बेसियों में काम कर रहे हैं, ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है कि कनाडा के जो अनपढ़ हैं रिक्शे वाले उनको वीजा ऑफिसर लगा दिया। वो यहाँ के जो टॉप पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते हैं, उनका एक एग्जामिनेशन होता है, उनकी रिक्रूटमेंट होती है, उनको एक फॉरेन सर्विस या उनका एक ट्रैक सिस्टम है उसमें जाके वो ट्रेनिंग लेते हैं। पढ़ाई करने के बाद, सिलेक्शन के बाद फिर ट्रेनिंग लेते हैं कि हाउ टू डील विद दिस वीजा एप्लीकेशन। उसके बाद उनकी पोस्टिंग होती है किसी की दिल्ली, किसी की चाइना, फिलीपींस, और दो दो साल बाद उनको रोटेट करते हैं। तो उन्हें तो वो तो सारा वो आपसे तो कम से कम 100 गुना आगे हैं वीजा एप्लीकेशन असेस करने में। और जब वो इंडिया में रहते हैं, जैसे दिल्ली में, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उनको तो 1 महीने 2 महीने में पता लग जाता है सारा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उनको वो कोई पागल थोड़ी है, वो देख अखबार में देखते नहीं, अखबार के ऐड आ रहे हैं, टीवी में इश्तेहार आ रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक वाला सब जगह ऐड आ रहे हैं कि वीजा कंसल्टेंट फलाना, ये वो 100% वीजा सब देखते हैं। तो वो देख के हंसते हैं कि कैसे लोग हैं यहाँ पर जो वीजा देना हमें है 100% गारंटी, तुम बोले जा रहे हो। सर मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, लोग जैसे इसका प्रॉपर एक हर एक चीज का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, अगर आप उस प्रोसीजर से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप उससे थोड़ा सा भी इधर उधर होगे तो आपको दिक्कत आएगी। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत सर्च मारा उसके बाद कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन यही बात है, अगर ये मैं अपनी फाइल लगाने से पहले थोड़ी सी जानकारी निकाल के रखता तो मेरे साथ ये होता ही ना। या सो एडवाइस लेना हमेशा हमेशा फायदेमंद होता है, एक्सपर्ट की एडवाइस लेना हमेशा फायदेमंद होता है। लेकिन फिर वही लोग कहते हैं ना कि कई बार लोग मेरे मेरे पे भी किंतु परंतु करते हैं कि सर जी आप बात करने के पैसे लेते हो जी, आप जी क्या करते हो जी, क्यों पैसे लेते हो? मैं उससे बोलता हूँ, जब बाकी मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ ऑफकोर्स, मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर आप बात करने के पैसे अगर देते होते तो कम से कम आपका बैन बच जाता, जो 5 साल का जो आपका नुकसान हुआ, जो बैठ के आप वनवास रखोगे वहां पर हरियाणा में 5 साल का, उसकी कीमत कौन देगा? आपने तो कह सही दिया कि बात है, कोई टाइम भी तो वापस कोई भी आएगा। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी लॉयर, ऑफकोर्स हर एक का बिजनेस है, उन्होंने पैसे लेने हैं और आपकी वीजा एप्लीकेशन फाइल डालनी है। तो जरूरी नहीं वो कहा तो मेरे है से सर, पूछो, आप उनसे पूछ लो, जो भी कंसल्टेंट है, जो भी लाइसेंस कंसल्टेंट है, आप उनसे पूछो कि भाई इसका प्रोसीजर क्या है, क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको जानकारी लेनी चाहिए। अगर हम आंख बंद करके किसी भी कंसल्टेंट ने भरोसा करने के भी चल ये ले पकड़ पैसे तू कर दे अप्लाई, तो फिर गोता खाओगे खाओगे। यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस बिफोर हैंड कि भाई साहब मेरे को थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे लेके पहले मेरे को समझाओ ये एप्लीकेशन में क्या है, इसकी असेसमेंट कैसे होती है, कैसे भरते हैं इसको, क्या क्या फैक्टर से असेस होगा, इसके बारे में 2 घंटे लेके पहले समझाओ। लेकिन ना तो क्लाइंट पूछने वाला है, ना कंसल्टेंट बताने वाला है, तो राम बिल्कुल राम के भरोसे सब चल रहा है काम और चली जा रहा है जैसे हो रहा है। बर मेरे को आप आपसे सिंपैथी जरूर है और आप दिल के सच्चे लग रहे हो मेरे को अमन। आपको कनाडा के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मीन वाइल अगर आपको पढ़ाई का शौक है विदेशों का, तो आप किसी और कंट्री जाके आप अपना टाइम ना खराब करें, वहां पढ़ें। कनाडा में तो आपको वीजा मिलने वाला नहीं है 5 साल तक। सर, फिलहाल तो मैंने अभी यहीं पे ही एडमिशन ले लिया अपने यहीं पे इंडिया में ही, अच्छी लेकिन मैं बात, उसके बाद एक बार जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, बहुत अच्छा। ज्यादा। कहाँ पर ट्रैवल किया आपने, कौन सी कंट्री गए? सर मैं सिर्फ अभी तक दुबई गया हूँ, अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, और चलिए। हाँ सर मेरे नोन में ऐसे 2 पर्सन है जिन्होंने अपनी फाइल खुद लगाई है और उनका वीजा आया है, बिल्कुल सेम आएगा। हाँ स्टडी वीजा, जी, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। आखिरी आखिरी बात मैं कह दूं इस बारे में कि ये बात मैंने वीडियोस में पिछले 2-3 साल से मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एप्लीकेंट को किसी भी लॉयर कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, उनसे काम करवा रहे हो, तो आप डबल रिस्क ले रहे हो। आपसे जो गलती हो ना हो, उससे भी गलती हो सकती है, तो एक रिस्क डबल है कि आपकी फाइल रिफ्यूज हो गई या जैसे बैन लग गया तो फिर क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन
मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंसल्टेंट के पास जाना नहीं चाहिए, कंसल्टेंट के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, लेकिन जाने का पर्पस कुछ और है। और आप किसी की स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो उससे कहो कि भाई मेरे को एप्लीकेशन नहीं लगानी आपसे, मेरे को कुछ नहीं करवाना आपसे, लेकिन मेरे को आपका टाइम चाहिए, आप मेरे को 1 घंटा दे दो, आप 2 घंटे दे दो, आपकी 2 घंटे की फीस कितनी है, ये लो पैसे पकड़ो, 2 घंटे मेरे को दो, मेरे पास सवाल हैं, इन सवालों का जवाब दे दो, नॉलेज हासिल करो। चाहे एप्लीकेशन आप लगाओ, चाहे चाहे कंसल्टेंट लगाए, चाहे लॉयर लगाए, लेकिन नॉलेज वो है जो आपके पास होनी चाहिए। ये मेरा आखिरी आखिरी इसमें इसमें फिलॉसफी है मेरी ये सब कंसल्टेशन बिजनेस की। हाँ जी सर, यही हुआ उनके साथ। उन्होंने क्या किया, जैसे होते हैं ना 10 में से 2 बंदे वो होते हैं जिनका दिमाग अलग ही चलता है, तो वो वही थे। उन्होंने आवाज आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है ब्रदर कुछ। ओके कट रही है, दस में से कि उनका दिमाग अलग ही चलता है, तो वो 10 में से 2 लोग थे जिन्होंने कंसल्टेंट पे जाके ये पूछा कि हमें बताओ कि कैसे फाइल लगानी है, हम लगाएंगे। वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई लाइक, दैट इज व्हाट माय फिलॉसफी इज, और दैट इज व्हाट आई टेल एवरीबॉडी। मेरे पास रोज के कई क्लाइंट्स कॉल करते हैं और मेरे से बोलते हैं कि फाइल लगा दो, मैं उनसे बोलता हूं कि मैं आप फाइल मैं नहीं लगाऊंगा आपकी, आप फाइल अपने आप लगाओ, मेरे से सीखो, मेरे से सीखो, मेरे से पूछो क्वेश्चंस, फाइल अपने आप लगाओ। हाँ, अगर आपने फाइल अपने आप लगाई, 1 बार 2 बार 3 बार रिफ्यूज हो गई, उसके बाद आप मेरे पास आओ, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा फिर, लेकिन पहली बार सेव मनी, डू द फाइल ऑन योर ओन, एंड दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी हैज बीन फॉर द पास्ट 3 इयर्स। यस सर। सर जिनसे मैंने आपका जिन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया था ना, कौन सर? मेरे एक फ्रेंड है वहां पे, नॉन है, कनाडा में ही। तो उन्होंने मेरे को आपका रेफरेंस जब दिया ना, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, कह रहे बंदा बहुत नाइस है, मतलब आपको उलझन में नहीं पाएगा, आपको सीधा सॉल्यूशन बताएगा। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। सर इसी बात, इसी सिर्फ इसी इसी बात को सुन के मैंने आपको कॉल किया था, क्योंकि सर मैं भी अपनी लाइफ में सीधा सीधा साधा बंदा हूँ, मेरे को ना किसी के साथ चलाकी करनी है, मुझे ना कुछ करना है, बस अपना आराम से सच्चाई पे चलना है। बट मैं ये चाहता था कि उसके खिलाफ कुछ हो जाए, मेरे को ये भी नहीं था कि मेरा बैन हट जाए इस टाइम, मेरे को सिर्फ यही था कि उसके मतलब उसके जो ये कर रहा है ना, वो कि वो मैसेज तक रीड कर रहा है, पता लग रहा है, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहा सर, वो गलत बात है। सर जी देखो, बस यही बात होगी ना कि अब मैं ज्यादा कुछ बोल जाऊंगा तो हो सकता है कि कंसल्टेंट जो है वो मेरे दुश्मन बन जाए, क्योंकि मैं भी कंसल्टेंट हूँ, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हूँ, और 4,000+ इमिग्रेशन कंसल्टेंट और हैं कनाडा में। और अगर मैं कुछ कंसल्टेंट, हाँ जी, वो भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, नहीं होगा होगा, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कंसल्टेंट के बारे में कुछ बोलने लग जाऊंगा तो वो बात हमारी अनप्रोफेशनल हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे दुश्मन, क्या मतलब, दे विल नॉट लाइक माई कॉमेंट्स। पर जो भी कंसल्टेंट है, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, मेरे को अफसोस है कि गलती हो गई, गलती हो सकती है, लेकिन वो स्टेप अगर ले लेते तो बात शायद समझ जाती। लेकिन कोई भी कंसल्टेंट है, लॉयर है, हर एक इंसान को, हर एक क्लाइंट को एक रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रिटन में, मतलब कि ये जरूरी है आज से, मतलब इट हैज बीन गोइंग ऑन, बट यू नो फॉर श्योर फॉर नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास पता होना चाहिए कि ये पैसे कितने पैसे ले रहे हैं, क्या होगा अगर मेरे को कंप्लेन करनी है, कुछ करनी है, कैसे कॉन्टैक्ट होगा, आपका फ़ोन नंबर क्या है वगैरह, ये सब लिखा होना चाहिए। और उसमें जो ICCRC कंसल्टेंट्स होते हैं, उसमें एक और एक क्लॉज होता है उसमें कि अगर आपको जहाँ से लाइसेंस लिया है वहाँ से अगर कुछ आपको रिटर्न में कोई सबमिशन करनी है, कंप्लेन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपकी सब ये कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, अगर आप रिटेनर देखो तो उसमें दिया होना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हो, और यू नो I hope it gets sorted out with him. But for sure के जो भी कोई हो, आपस का जो मसला जो भी सॉल्व हो, लेकिन ये वीजा मिलना अगले 5 साल के लिए, 4.5 साल तक के लिए मुश्किल है। Yes. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच अमन, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, आई अप्रिशिएट योर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट दिस इश्यू। मैं एक लॉयर को इंटरव्यू करने वाला हूँ अगले हफ्ते, मैंने टाइम दिया उससे, और मैं कई कई लॉयर्स को मैं इंटरव्यू करता हूं, एक्चुअली आई ब्रिंग देम ऑन माय शो, आई आस्क देम क्वेश्चंस, आई आस्क देम टफ क्वेश्चंस कि आपने ये केस कैसे किया, इसको इसमें क्या राज था, इसमें आपने क्या स्ट्रेटजी लगाई। तो मेरा मेरा शौक है कि मैं
इमिग्रेशन लॉ को तय से अंदर से मैं उसको एक्सरे करके उसको तार तार करता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गलती क्या हुई, ऐसे क्या हुआ। तो और उसने उसने भी ये जो आपने जो बताया केस आपका मिस रिप्रेजेंटेशन का ही केस है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन का ही माहिर है, वो उस्ताद है वो, और वो कोर्ट केसेस करता है। जैसे अगर आपने 60 डेज में किया होता तो वो आपको चैलेंज मतलब उसको चैलेंज कर सकता था। आप अगले हफ्ते तक मेरा एक इंटरव्यू देखना, मैं इंटरव्यू करूंगा उसको, और मेरे पास उसके कुछ कोर्ट केसेस भी हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दिस इशू इन द कमिंग डेज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा बस। बोले सर, मैं बोलना चाहूंगा किसी के माँ बाप भाई कहीं से तोड़ के नहीं लाते पैसा, कहीं पेड़ नहीं लगता। पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर अपना जो भी करना है फिर करो बस। अमन, आपके आपके जो आखिरी कमेंट्स को मैं नमस्कार करता हूँ। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन द डॉट, दैट इज व्हाट इट इज। नो मैटर कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप किसी भी कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे आपने अगर आपको घर बनाना है, इंश्योरेंस लेनी है, कुछ और बाय करना है, कुछ करना है, जो भी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट से पहले उसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, बजाय कि आप किसी पे भरोसा करके उसे बोलो ये पकड़ जी पैसे मेरा काम करके दे, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन अगर आपको, अगर ग्राहक को, क्लाइंट को नॉलेज होगी तो आप फ्रॉड से बच सकते हो बहुत हद तक, नॉट कंप्लीट पर बहुत हद तक बच सकते हो। यस इग्नोर माय फेस सर, इट्स मनी, आई एम हियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय बाय।